हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F42 5G में और मोटो HA20 फ्यूजन में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी से, तो सैमसंग की है डिस्प्ले 6.6 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। मोटो की डिस्प्ले 6.7 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। और आपको दोनों ही फ़ोनों में 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी में मोटो बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो सैमसंग का है मेटेक का डायमेंसिटी 700 का, CPU 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और 7 nm का फिनफैट। और मोटो का जो प्रोसेसर है वो है मेटे का डायमेंसिटी 800U का, CPU 2.4 GHz ऑक्टेकोर का और 7 nm का फिनफैट। और प्रोसेसर क्वालिटी में मोटो बेस्ट है और दोनों ही प्रोसेसर 5G है। बात करते हैं बैक कैमरे की, दोनों का है ट्रिपल। सैमसंग का जो मेन कैमरा है 64 MP का, फिर 5 का, फिर 2 का। मोटो का जो मेन कैमरा 108 MP का, फिर 8 का, फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो सैमसंग का है 8 का, मोटो का है 32 का। और कैमरा की क्वालिटी में मोटो बेस्ट है और मोटो का वो फ्रंट कैमरा मिलता है पंच और डिस्प्ले के साथ। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो दोनों में सेम है, 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन की बैटरी लाइफ नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और सैमसंग में चार्जर है 15 वाट का, मोटो में है 30 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक में मिल जाता है। और आपको दोनों में कनेक्टिविटी मिलती है 5G की और दोनों की वारंटी है 1 साल की। और दोनों में फ्रंट में ग्लास है, बैक में प्लास्टिक है। और दोनों फ़ोन में रैम सेम है, 6GB और 8GB की मिल जाती है। दोनों की मेमोरी सेम 128 GB की मिलती है और दोनों ही फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो सैमसंग का है स्टार्टिंग 20,999 रुपये और ये सेल में मिलता है आपको 17,999 रुपये में। और मोटो का है स्टार्टिंग 21,499 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।